हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बथुआ का रायता। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बथुआ का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 200 ग्राम के जितना बथुआ लिया हुआ है और इसकी पत्तियों को हमने अच्छे से पानी से धो लिया हुआ है और डंठल हटा दिए हैं। अब हम इसे एक भगोने में डालेंगे और बथुआ को सबसे पहले थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। इसमें हमने 1 कप के जितना पानी डाला हुआ है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अब हम इसे ढक देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 3 मिनट तक पका लिया हुआ है। अब देख सकते हैं बथुआ जो है वो अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। तो आपको इसे तभी पीसना है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए और इसके पानी को आप फेंके नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसे आटा मारने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बथुआ को एकदम से दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना है। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी दही को फेंट लिया हुआ था तो थोड़ा सा पतला रखा हुआ है। आप दही में भी बना सकते हैं या बटर मिल्क में भी बना सकते हैं। अब ये जो बथुआ है वो हम इसमें डाल देंगे, बटर मिल्क में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिला देना है। और ये देखिए, हमने अच्छे से मिला दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डालेंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा जो बथुआ का रायता है बनके तैयार है, बट इसमें हम लगाएंगे एक तड़का। तो यहाँ पर एक तड़का पैन में हमने 1 चम्मच की जितना तेल गरम किया हुआ है, तेल गरम हो जाएगा, 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे और ये जो तड़का है वो हम रायते के ऊपर डाल देंगे और तुरंत ही हम इसे कवर कर देंगे, जिससे कि जो भी फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, 2 मिनट बाद हमने इसे खोल के देखा हुआ है। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम तड़के को रायता में। और ये लीजिए, हमारा बहुत ही सिंपल टेस्टी बथुआ का रायता बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।